भारत के लिए नीलामी से पहले काफी महत्वपूर्ण होगा मैच। टी20 महिला विश्व कप सबसे महत्वपूर्ण, आईसीसी ट्रॉफी पर होगा फोकस। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत की उम्मीद, महिला आईपीएल भारत में महिला क्रिकेट के विकास में देगा योगदान। न्यूजीलैंड कप्तान सोफी डिवाइन व ऑस्ट्रेलिया कप्तान मैग लैनिंग का मानना, टी20 विश्व कप के दौरान आईपीएल नीलामी होना गलत। महिला आईपीएल लीग के लिए नीलामी होने वाली है, लेकिन भारतीय टीम का फोकस पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप में भारत के पहले मैच पर है, जिसमें वे अंडर 19 टीम की सफलता को दोहराना चाहेंगे। तो वहीं महिला आईपीएल के लिए नीलामी 13 फरवरी को मुंबई में होगी, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 विश्व कप का मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा। तो वहीं हरमनप्रीत कौर ने टी20 विश्व कप कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, नीलामी से पहले हमें काफ़ी महत्वपूर्ण मैच खेलना है और हमारा फोकस उसी पर है। उन्होंने कहा, ये विश्व कप सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा फोकस आईसीसी ट्रॉफी पर है। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और एक खिलाड़ी को पता होता है कि उसके लिए क्या अहम होने वाला है, उसे फोकस कैसे बनाए रखना है। उन्होंने कहा, हम इतने परिपक्व हैं कि हमें पता है कि हमारे लिए क्या अहम है। सैफ अली वर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने पिछले महीने पहला अंडर 19 विश्व कप जीता, उसी तरह सीनियर टीम भी ये वर्ल्ड कप जीतकर उस सफलता को एक बार दोहराकर इतिहास रचना चाहेगी। हरमनप्रीत कौर ने कहा, अंडर 19 विश्व कप देखने के बाद हमें काफी प्रेरणा मिली है। उन्होंने कहा, हमें अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया अंडर 19 की टीम ने, हम सभी के लिए एक खास पल था और इनकी इस कामयाबी से कई लड़कियों को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरणा मिलेगी, जो हमेशा से हमारा लक्ष्य था। भारतीय कप्तान ने उम्मीद जताई कि महिला आईपीएल भारत में महिला क्रिकेट के विकास में उसी तरह योगदान देगा जैसे महिला बिग बैश हो या फिर द 100 ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में दिया है। उन्होंने कहा, हमारे लिए बड़ा दिन है क्योंकि हम बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे कि महिला आईपीएल हमारे देश में भी चालू हो। अगले 2-3 महीने काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हमने देखा है कि महिला बिग बैश लीग और द 100 ने कैसे उन देशों में महिला क्रिकेट के विकास में काफी मदद की है। उम्मीद है कि ऐसा हमारे देश में भी होगा। सुपर लीग महिला बिग बैश लीग द 100 खेल चुकी हरमनप्रीत कौर ने कहा, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलना अलग तरह का अनुभव है। मुझे जब ये मौका मिला तो ये मेरे जीवन को बदलने जैसा था। वहीं दूसरी लड़कियों को भी इसे महसूस कर सकेंगी, ये अपने खेल को बेहतर बनाने का सुनहरा मौका होगा। न्यूजीलैंड की कप्तान सोफी डिवाइन और ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मैग लैनिंग का मानना है कि टी20 विश्व कप के दौरान नीलामी होना अजीब है। डिवाइन ने कहा, खिलाड़ियों का ध्यान इस पर से हटाना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, यह अजीब होगा, कुछ खिलाड़ी चुने जाएंगे और कुछ नहीं। आपको अपनी कीमत का पता चलेगा, जो अजीब सा लगेगा, लेकिन ये भी एक काम है और हमने भी अपने नाम लीग के लिए दिए हैं। उन्होंने कहा, यह अनूठा अनुभव होगा, लेकिन ये सही है कि इससे ध्यान भटकेगा, लेकिन हमें फोकस वर्ल्ड कप पर बनाए रखना होगा। तो वही महिला क्रिकेट के लिए ये बड़ा पल है और मुझे इसका इंतजार है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी 15 सदस्यीय टीम ने लीग के लिए अपने नाम दिए हैं। तो वहीं पर कप्तान हरमनप्रीत कौर का मानना है कि महिला आईपीएल लीग से पहले हमारा फोकस पूरी तरह आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप की चैंपियन ट्रॉफी पर होना चाहिए, जिसको जीतकर हम भी अंडर 19 लड़कियों की तरह इतिहास रच दें।